मान्यवर आदेश हो तो निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्वाचित उपराष्ट्रपति की घोषणा को पढ़ा जाए। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यथा श्री मोहम्मद हामिद अंसारी की पदावधि की समाप्ति वर्ष 2017 के अगस्त मास के 10वें दिन तदनुसार शक संवत 1939 के श्रावण मास के 19वें दिन होनी है और यतः भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के प्रावधानों और तदीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंधों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा इसका परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब भारत निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करता है कि वर्ष 2017 के अगस्त मास के 5वें दिन तदनुसार शक संवत 1939 के श्रावण मास के 14वें दिन को श्री वेंकैया नायडू एम भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए विधिवत रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 68वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से आज वर्ष 2017 के अगस्त मास के 5वें दिन तदनुसार शक संवत 1939 के श्रावण मास के 14वें दिन को जारी किया गया। मैं एम वेंकैया नायडू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। मान्यवर आपका आदेश हो तो अब समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाएगी।